हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय कॉलेज बड़ी और मैं हिमानी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट आईआईएम्स, कहां कहां आईआईएम्स के कैंपसेस हैं, अबाउट देयर कोर्सेज, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टोटल जो आईआईएम्स है इंडिया में वो आपके 21 है। आईआईएम की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू स्टडी एमबीए एट वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया, तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज आईआईएम से कर सकते हैं। ऑल दो जो आईआईएम है वो आपका टॉप में रैंक करता है, टॉप क्लास बी स्कूल्स में इन इंडिया जो है उसमें भी ये रैंक करता है, जो आपको ऑफर कराते हैं पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे आपका एमबीए हो गया, पीजीपी हो गया, एग्जीक्यूटिव एमबीए हो गया, एमबीए फॉर वर्किंग हो गया प्रोफेशनल्स, पीएचडी हो गया या फिर एफपीएम हो गया। अगर आईआईएम की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसको काफ़ी सारी रैंकिंग मिली हुई है, टॉप रैंक करता है। और जो रैंकिंग सर्वेज की हम बात करें तो काफ़ी सारी सर्वेज हैं अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ हो गया, इंडियन टुडे हो गया, बिजनेस टुडे हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, इनके अकॉर्डिंग इसको रैंकिंग मिली हुई है। जो आपके सबसे पुराने कैंपसेस हैं आईआईएम के वो है आपका आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 1961 में, थर्ड वन इज़ आईआईएम बेंगलोर जो आपका 12 साल पहले 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। बाकी के जो जितने भी आईआईएम हैं यानी कि 14 आईआईएम वो आपके 2008 से 2016 के बीच में एस्टेब्लिश हुए हैं। वहीं जो आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता और आईआईएम बेंगलोर हैं वो आपके टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स में इंक्लूड है फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन इन द वर्ल्ड, जो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें पीजीपी और एमबी कोर्स की जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका थ्रू कैट होता है। यहाँ पे आपको कैट जो होगा एग्ज़ाम वो आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, देन आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद ही आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आप जीमैट के थ्रू भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होता है। तो जितने भी आईआईएम हैं उनके हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईएम बेंगलोर के बारे में। तो हमारा जो बेंगलोर का कैंपस है वो काफ़ी पॉपुलर है, जो उसके फ्लैगशिप कोर्स है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है। इस इंस्टीट्यूट को टाइटल भी मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इसकी हम रैंकिंग की बात करें तो ये टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया में आता है। वहीं ग्लोबली अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो टॉप 50 इंस्टीट्यूट में भी आता है। बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कराते हैं पीजीपी इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। अगर इसकी सीट्स की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 430। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है एमबीए का वो आपका अराउंड 23 लाख के अराउंड पड़ता है। एनआईएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें इन एमबीए कैटेगरी तो आपकी सेकंड पोजीशन पर ये रैंक करता है। सेकंड वन इज आईआईएम कोलकाता, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका कोलकाता में जिसका कैंपस लोकेटेड है। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये फोर्थ नंबर पर रैंक करता है बाय MHRD NIRF रैंकिंग 2023। यह आपका एस्टेब्लिश हुआ है 1961 में। जो IIM कोलकाता है वो आपका 3 मैनेजमेंट कोर्स जो है वो आपका ऑफर करता है, जैसे फुल टाइम में नॉर्मल MBA जो होती है आपकी, देन एग्जीक्यूटिव, देन फॉलोशिप प्रोग्राम। तो जो PGDM प्रोग्राम है वो यहाँ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी मेन प्रोग्राम है, काफ़ी पॉपुलर है अमंग MBA एस्पिरेंट्स। अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 23 लाख के अराउंड इसकी फीस स्ट्रक्चर जाता है। और यहाँ पे सीट्स जो होती हैं वो आपकी 210 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है। सो द नेक्स्ट वन इज IIM अहमदाबाद। ये आपका टॉप IIM में इंक्लूड है, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 1961 में। ये जो कॉलेज है ये आपका रैंक करता है अमंग द बेस्ट ग्लोबली फॉर इट्स वेरियस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2023। अगर इसकी और रैंकिंग की बात करें तो वहीं ये 43 नंबर पर पोजिशन पर है इन फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबली। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है आपकी 385। जो इसकी फीस है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो आपकी अप्रोक्स 23 लाख के अराउंड पड़ती है। सो द थर्ड वन इज IIM लखनऊ जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। IIM लखनऊ जो है वो आपको ऑफर करता है PGP और EPGP प्रोग्राम, इसी के साथ ही फेलोशिप प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। अगर स्पेशलाइजेशन की हम बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट PGP ऑफर करते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर करते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है इसमें भी ये ऑफर करते हैं आपका PGP प्रोग्राम, EPGP प्रोग्राम जो भी है।
तो इसके अलावा इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो आपकी 436 के अराउंड इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स पड़ती है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 19 लाख के अराउंड इसका जो है वो फीस स्ट्रक्चर है। IRF रैंकिंग में 6th पोजीशन पर रैंक करता है। सो द नेक्स्ट वन इज IIM इंदौर, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 1996 में। IIM इंदौर जो है वो एक ओनली कैंपस है जो आपको ऑफर करता है 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर जो भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कई कंपनीज जोड़ती हैं तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल की डिग्री मांगते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब भी ये ऑफर करता है। इसके अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो आपकी 451 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका एग्री करता है अराउंड 21.60 लाख के अराउंड, ये इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। सो द नेक्स्ट वन इज IIM उदयपुर, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 20 में। अगर रैंकिंग की बात करें तो ये 60th नंबर पर रैंक करता है बाय MHRD NIF रैंकिंग इन MBA कैटेगरी। PGP के अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको ऑफर करता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, यानी ये स्पेशली फॉर वुमेन ये एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो आपकी 260 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर जाता है वो आपका 19 लाख के अराउंड जाता है। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो आपकी 60th नंबर पर रैंक करती है ये। सो द नेक्स्ट वन इज IIM रांची, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 2010 में अंडर द मेंटोरशिप ऑफ IIM कलकत्ता, यानी कि जो IIM कलकत्ता है उसके मेंटोरशिप पे ये वाला कैंपस है ये चलता है। ये आपका वन ऑफ द फ्यू IIMs में इंक्लूड है जो आपको ऑफर करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट IIM रांची जो है वो आपको ऑफर करता है PGDM इन जनरल मैनेजमेंट, FPM एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इट ऑल्सो ऑफर्स 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम। IIM जो रांची है ये आपको PGP प्रोग्राम करती है आपको मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एंटरप्राइज मैनेजमेंट में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ये सभी स्पेशलाइजेशन है इसकी जो आपको ऑफर करता है। इसी के साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो आपकी 240 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। इसके अब आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पर, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका एग्जिस्ट करता है 50 लाख के अराउंड। सो द नेक्स्ट वन इज IIM शिलोंग, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 2008 में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये करंटली आपको ऑफर करता है मैनेजमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग PGP, PGPX और FPM। यहाँ की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो आपके अप्रॉक्स 120 के अराउंड है। यहाँ अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 14.60 लाख के अराउंड जो है इनका फीस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सो अब बात करते हैं हरियाणा के IIM के बारे में, दैट इज़ IIM रोहतक, जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है 2009 में। विद इन 10 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट IIM रोहतक जो है वो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है। अपार्ट फ्रॉम जो इसका फ्लैगशिप कोर्स है वो है इसका PGP प्रोग्राम। ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको एग्जीक्यूटिव और डॉक्टरल और डिप्लोमा प्रोग्राम भी ऑफर करता है। इसने रिसेंटली लॉन्च किया है डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। IIM रोहतक की अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वो आपको ऑफर करता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। यहाँ की अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 240 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। PGP का जो फीस स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो आपका अप्रॉक्स पड़ता है 60.10 लाख के अराउंड। सो ये थे आपकी डिफरेंट IIM कैंपसेस की डिटेल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है फीस स्ट्रक्चर, उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स, एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में। अभी बाकी जो बच गए हैं हम उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसको देखना ना भूले। अगर आपको इन 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 सभी IIMs के बारे में कोई और भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दैट इज़ प्रोफाइल एनालिसिस, आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसमें से हम जो नहीं कर पाए हैं वो हम आपको पार्ट 2 में कवर करेंगे, उसे भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।